नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या मामले में आज से शुरू होगी अंतिम सुनवाई, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा कोर्ट। कल है विवादित ढांचे को गिराए जाने की 25वीं वर्षगांठ। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा सातवां सवाल, महंगाई पर कसा तंज, कहां जुमलों की बेवफाई मार गई, नोटबंदी की लुटाई मार गई, जीएसटी सारी कमाई मार गई, बाकी बचा महंगाई मार गई, बस अमीरों की होगी भाजपा सरकार। मुंबई के बाद अब गुजरात में ओखी तूफान का खतरा, 6 दिसंबर को तट से टकराने का अंदेशा, तमिलनाडु केरल में भी अलर्ट जारी। अमरनाथ हमले का सेना ने लिया बदला, यात्रियों पर हमले को अंजाम देने वाले सभी आतंकी ढेर, आतंकी इस्माइल माविया के बाद फुरकान को किया ढेर। महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा गिरफ्तार, केंद्र की नीतियों का कर रहे थे विरोध, विदर्भ के किसानों के साथ कर रहे थे प्रदर्शन। जेडीयू के बागी नेताओं को बड़ा झटका, शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता हुई रद्द। पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर मुद्दा, पाक पूर्व राजनयिक ने कहा भारत के कारण कश्मीर पर बात नहीं करना चाहते अन्य देश। आज होगा अभिनेता शशि कपूर का अंतिम संस्कार, कल 89 साल की उम्र में ली थी अंतिम सांस, बॉलीवुड कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। लाल निशान के साथ खुला शेयर बाजार, निफ्टी में 33 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स भी 146 अंकों की गिरावट के साथ खुला। और कोटला टेस्ट में श्रीलंका पहली पारी में 373 रन पर ऑल आउट, भारत को 163 रनों की बढ़त, चौथे दिन का खेल जारी। ये थी अब तक की सुर्खियां, आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।